पहली 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इसी दिन भारत को उसकी कानूनी किताब संविधान की प्राप्ति हुई। संविधान हमें माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो हमें आपसी भाईचारे धर्म निरपेक्ष होकर समानता से जीने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान हमें ऊंच नीच के बंधन से सभी को समानता के साथ रहने का मूल्य अधिकार देता है। जैसा सभी जानते हैं कि हमारे देश अंग्रेजी हुकूमत का राज रहा है, लेकिन हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का सामना करते हुए हमारे देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया, सैकड़ों बार जेल गए, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है 26 जनवरी रिपब्लिक डे का। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और जब हम यात्रा में निकले हुए हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही मद्देनजर रखते हुए यात्रा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इतना ब्यूटीफुली वी द पीपल एक साथ रहने का जो मैसेज है, उसको स्प्रेड कर पाए। आज श्री राहुल गांधी जी सड़क पर उतर कर लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ खुद को बनाकर और लोगों की परेशानी सुनकर देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। यह आन बान और शान है, देश का अभिमान है, चले देश इसी से, यही देश का संविधान है। जय हिंद। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी 74th रिपब्लिक डे।